हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई एक कंडीशन डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, आज ही थोड़ी सारी करनी है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो एक पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण कितना होता है, KQ/R2। ओनली फॉर वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, इसके अलावा वैलिड नहीं होता है। कई बार अपने को एक इन्फिनिटी का तार दे देता है, अनंत लंबा तार दे दिया, उस पे उसके कारण पूछ रहा है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कई बार एक सीमित लेंथ का दे दिया जिसकी लेंथ बता दी कि इसके कारण कितना होगा। कई बार एक रिंग दे देता है, उसके सेंटर पे पूछ लेता है, उसके एक्सिस पे पूछ लेता है, और एक रिंग का पार्ट दे के पूछ लेता है कि इसके कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करें उस केस में, वही जो करते आते हैं छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, नहीं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अभी कैसे होगा। तो आज देख रहे हैं रिंग के एक्सिस पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख दूं मैं, ऑन एक्सिस ऑफ ए रिंग। कोई भी रिंग जिसके एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस रिंग के कारण वो देख रहे हैं। ये क्या हुई रिंग कुछ इस तरह से, और ये इसका एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे, इसका एक्सिस कुछ ऐसे होगा, यहां से चलते 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 कुछ ऐसे होगा एक्सिस। तो दोनों तरफ मैं एक्स डिस्टेंस पे पूछ रहा हूँ, ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मेरे को इसके कारण यानी कि इस पे पहले मानना पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज के कारण, इस टोटल चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे टोटल चार्ज कितना है, क्यू, टोटल चार्ज दे रखा है क्यू, और इसका रेडियस कितनी है इसकी रिंग की, आर। अब बताते कैसे देखते हैं, देखो ये कुछ समझ नहीं आ रहा रिंग, ये तो सर्किल जैसे लग रहा है। रिंग देखो इस तरह से देखो, तो रिंग क्या होता है, कई उंगलियों में पहन रखे होते हैं, कोई हाथों में कड़ा वगैरह बोलते हैं, लड़कियां चूड़ियां पहनती है। तो एक लड़की जिसने चूड़ी पहन रखी है, रजिस्टर प्लॉट है उसकी तरफ मत देखो, सबका ध्यान लड़की पे, चूड़ी को कोई नहीं देख रहा। चलो लड़की को भगा दो, उसके हाथ से चूड़ी निकाल लो, निकाल ली मैंने, ले लिया उसको, यहाँ पे रख दिया इस तरह से रखा हुआ है वो, मैं यहाँ पे लाके इस तरह से उसको अंदर दसा दे रहा हूँ उसको। तो क्या हो गया, ये चूड़ी रिंग बोल रहे हैं उसको, और ये उसका एक्सिस इस तरह से, ये एक्सिस इसके चारों ओर क्या होगी रिंग, ये एक्सिस इसके चारों ओर क्या होगी रिंग, ये हो गया उसका एक्सिस। अब पूछ रहे हैं कि जो ये रिंग मैंने ले रखी, इसको ये जो रिंग है उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सिमिलर, यानी कि वो क्या है रिंग भी सिमिलर है, यानी कि उसका लैम्डा सेम है, डेंसिटी सेम है, मोटी पतली नहीं है, इक्वल है वो सभी जगह से, वो इक्वल है। तो ये इस तरह से रखा हुआ है, और उस पे मैंने प्लस या माइनस कोई भी चार्ज दे रखा है, इनकेस प्लस की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन का खेल होता है। तो पहले प्लस से देख लेते हैं ये प्लस, तो इस पूरी रिंग के कारण इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ कि मैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इसके एक्सिस पे ही तो आने वाला पॉइंट है, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी कहीं भी ले सकता हूँ वो पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके लिए अपन जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर पता कर लेंगे कैसे करेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ रखा है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R2, क्यू पॉइंट चार्ज, और उससे आर डिस्टेंस पे इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई पॉइंट चार्ज है ही नहीं, फिर क्या कर सकते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे एक डी क्यू मान लेता हूँ इस तरह से, क्या एक डीएक्स लेंथ का मैंने मान लिया, एक डीएक्स लेंथ का या डीएक्स चौड़ाई का एक मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ, जिसको मैंने चार्ज डी क्यू इस तरह से। जैसे मौत का कुआं चल रहा होता है, सबने देखा है मौत का कुआं क्या होता है, सब आदमी बाहर खड़े रहते हैं ऊपर, और नीचे से बाइक कार वगैरह सब दौड़ा रहे होते हैं ऐसे दीवारों पे। तो उसी तरह से जो मौत का कुआं है ना, जो उसका सेंटर है नीचे जहाँ पे अर्थ यानी कि पृथ्वी आ रही है, नीचे जहाँ पे टच हो रहा है फर्श को, वो एक्सिस हो गया उसका, और जहां पे आप सभी लोग खड़े हुए ना वो एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं डी क्यू। काफी लोग खड़े होते हैं ना, उन सबको मिलाकर क्या हो गया DQ, 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 उन सबको मिलाकर क्यू चार्ज इस तरह से हो गया। तो यानी कि मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि टोटल आदमी जो देख रहे हैं ना उनके कारण सेंटर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन मेरे को एक आदमी का पता है, तो मैं एक आदमी का निकाल लूँ तो सेंटर पे निकल जाएगा। तो एक आदमी का मैंने मान लिया डी क्यू, यानी कि डी क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज मान लिया, छोटा सा चार्ज उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अब क्या होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R2। अब यहाँ पे आर क्या होता है,
कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है ना, उस पॉइंट से डिस्टेंस, तो यानी कि मेरे को ये डिस्टेंस लेनी होगी कुछ इस तरह से, ये डिस्टेंस लेनी होगी ना मेरे को कुछ इस तरह से। इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ स्मॉल आर, इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ स्मॉल आर। अब ये देखो कुछ इस तरह से, ये एंगल यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहे थीटा, यानी कि ये हो गया डीई। डी क्यू कारण कितना हो गया डीई, इधर लिख लेते हैं डीई, ये हो गया। क्यों? क्योंकि छोटा चार्ज है तो छोटा इफेक्ट होगा, छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको डीई बोल रहे हैं। तो यहाँ से डीई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से? एक तो इधर आएगा कुछ इस तरह से, कौन सा? डीई साइन थीटा, और एक कुछ इस तरह से आएगा इधर, कौन सा? डीई कोस थीटा, ऐसे आया कुछ। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये डीई कोस थीटा, ये डीई साइन थीटा। फिर मैं दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे मान रहा हूँ कुछ इस तरह से, दूसरा मैंने पॉइंट चार्ज यहाँ पे माना, तो इससे भी वही सेम डिस्टेंस कितनी होगी? आर डिस्टेंस होगी सेम, क्योंकि एक रिंग है, एक रिंग है और उसके जो चारों ओर इस तरह से प्लस चार्ज रखे हुए, उससे इस पॉइंट की दूरी तो सेम ही होगी ना, इस तरह से, ये इस तरह से। जैसे क्या, अपन कोन वाली आइसक्रीम खा रहे हो ना, तो नीचे आइसक्रीम पकड़ रखे हो, ऊपर से कोन, लेंथ तो सबकी सेम ही होती है ना। मौत के कुएं में आप सभी आदमी सेम डिस्टेंस पे तो खड़े हुए होते हो फर्श से, तो इसी तरह से यानी कि आर यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, इस पॉइंट पे भी आर सेम होगी, इस पॉइंट पे भी आर सेम होगी, क्योंकि इस तरह से रखा हुआ है ना ये, तो यहां से यहां से यहां से यहां से हर जगह पे क्या होगी? आर सेम। क्यों? इस पॉइंट के लिए आर क्या होगी? सेम। इसके कारण कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? कुछ ऐसे होगा जिसको बोल रहे हैं मैं डी, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, कौन सा? एक तो होगा डी साइन थीटा, ये वाला एंगल थीटा ले रहे हैं इस तरह से थीटा, तो ये कौन सा हो जाएगा? थीटा। और इधर कौन सा आ जाएगा इसका? डी कोस थीटा कंपोनेंट। आप देख रहे होगे कि मैं यहाँ पे भी डी क्यू लूंगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जितने डी क्यू लूंगा ना मैं, उन सबका साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे दो से समझ लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले से, कि यहाँ पे जो डी डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, वो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर लेंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो डी ई कोस थीटा, और उसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? इस डी ई कोस थीटा की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रिंग, इस तरह से आ रही है ना, इसके एक्सिस से दूर, इसके सेंटर से दूर, यही आ रही है ना। अब यहाँ पे आप करो, इमेजिन करो कि नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते? नेगेटिव चार्ज होता कुछ नहीं करते, देखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की ओर होता। चलो यहाँ पे देख लेते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये रिंग मैंने रख रखी है, ये इसका क्या हो गया एक्सिस, इस पी पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने डी क्यू माना, तो ये क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपनी ओर रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेगेटिव चार्ज अपनी ओर रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जबकि पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस पॉइंट के लिए भी कुछ ऐसे ही होगा, ये डी इधर होगा, डी इधर, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा बन रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर कौन सा आ रहा है? डी कोस थीटा, और इधर आएगा डी साइन थीटा। तो ठीक इसी तरह से इसका भी कौन सा? डी कोस थीटा इधर आएगा और डी साइन थीटा इधर आएगा, यानी कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। बच रहा कौन है यहाँ पे? नेट क्या बच रहा है? डीई कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, क्या? नेट डायरेक्शन टुवार्ड्स द रिंग की ओर, इसके सेंटर की ओर, यहाँ पे अवे फ्रॉम द रिंग, बस ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये क्या हो गया डिफरेंस। अब देख लेते हैं कि चलो डायरेक्शन तो पता चल गई, मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ी बात तो मैग्नीट्यूड की है ना, तो यहाँ पे जो इतने रामायण, उससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो नेट डीई होगा वो क्या हो गया? डीई कोस थीटा। अब मेरे को डी करना है, यानी कि मैं इन सबको, इसके कारण कितना हुआ, इसके कारण कितना, इसके कारण कितना, इसके कारण कितना, इसके कारण कितना, इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मेरे को नेट डीई कोस थीटा मिल जाएगा। इन सबके कारण जितना हो उसको ऐड कर दो तो मेरे को नेट डीई मिल जाएगा। ऐड कैसे करते हैं फिजिक्स में, मैथ में? वही इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या? ये सिंबल लगा दो डीई, और ये क्या हो गया? डीई कोस थीटा इंटीग्रेट, क्या आ गया? ई, यानी कि टोटल डीई को ऐड करेंगे तो मिलेगा ई। अब यहां से देखो डीई की वैल्यू क्या है, डीई की वैल्यू क्या होगी? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू डी क्यू, आर कितना डिस्टेंस है? स्मॉल आर, ये मान रखा है मैंने, यानी कि के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गई डी ई की वैल्यू, पुट कर दो यहाँ पे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
और कोस थीटा इंटीग्रेट करना है बस मुझे। अब देखो यहां से इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है, चेंज क्या क्या हो सकता है इंटीग्रेट में। इंटीग्रेशन में किसका इंटीग्रेट करते हैं, जो चेंज होता है वेरिएबल होते हैं उनका चेंज करते हैं। तो यहां पे ई, और देखो के तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लेता हूं मैं। आर हर पॉइंट पे आर तो सेम ही होगी ना, सही। आप इस पॉइंट के लिए निकालेंगे तो भी आर उतनी होगी, इस पॉइंट के लिए निकालेंगे तो भी आर उतनी होगी, इस पॉइंट के लिए निकालेंगे तो भी आर उतनी होगी, सेम होगी। यानी कि आर स्क्वायर सेम आ गया। अब थीटा भी तो सेम ही होगा, थीटा कैसे सेम होगा, समझ नहीं आ रहा। थीटा थीटा सेम आपको नहीं पता चल रहा, तो यहां से देखो कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं मैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे करंट, ये होता है। तो यहां से इसका आधार कितना हो गया एक्स। इस ट्राइंगल को ले लेते हैं ना, इस ट्राइंगल को मान लो, इस ट्राइंगल में मान लेते हैं थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया एक्स, ये वाली डिस्टेंस कितनी है एक्स, करंट कितना हो गया आर, एक्स अपॉन आर। देख लो एक्स भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट है, तो यानी कि थीटा भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, ठीक। एक्स भी आर भी दोनों कांस्टेंट, यानी कि थीटा भी कांस्टेंट। तो मैं थीटा को बाहर ले लेता हूँ, ये आ गया कॉस थीटा। बस खुद से सोच सकते हो, तो इस तरह से क्या है, हर पॉइंट पे एंगल तो सेम ही बन रहा होगा। क्यों सेम बन रहा है, कौन वाली आइसक्रीम में देखते हैं बीच में एंगल सेम होता है कि अलग अलग होता है, इस तरह से वो मुड़ी होते हैं। कई बार क्या होता है सफाई नहीं होती ना बढ़िया से, तो खराब बन जाती है, उसको मत कंसिडर करो। तो यहाँ पे डी क्यू, डी क्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से Q, बस इतना चेंज हो सकता है क्यू। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा एक्स बाई आर, यानी कि ई इक्वल टू क्या आ गया, के आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई आर। और डी क्यू क्या हो सकता है, डी क्यू को पूरे डी क्यू जितने भी उनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू इंटीग्रेट ऑफ डी क्यू क्या मिल गया, क्यू। तो यहां से क्या, इसको मिटा देते हैं ना, इधर इधर लिख लेते हैं, चलो इसको नोट कर लो। तो यानी कि ई इक्वल टू क्या मिल गया मेरे पास, क्या के एक्स, ऐसे लिख देते हैं ना, के क्यू एक्स अपॉन आर की क्यू, के क्यू एक्स अपॉन आर की क्यू, ये मिल गया मेरे को। ये याद रखना है कि एक्स क्या है यहाँ पे, आर क्या है, फॉर्मूला सब याद कर लेते हैं, ये याद नहीं करते एक्स और आर क्या है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो बढ़िया, क्या आर को क्या लिख सकता हूं मैं, आर आर क्या हो गया, यहां से देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये क्या हो गया इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस यानी कि करंट, ये क्या हो गया आधार बेस, और ये क्या हो गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या होगा, आर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये करंट स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर का ये हो गया। फिर मैंने रूट ले लिया तो ये मिल गया। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहां से पुट करेंगे अपन, तो ई इक्वल टू क्या हो रहा है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कहां से आ गया, देखो इसकी क्यूब है यानी कि आर की क्यूब। ये देखो पहले तो ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू 1/2 ये है। अब इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई, 3, तो 3/2 यहां से आ रहा है, ये 3/2 यहां से आ रहा है। तो ई की नेट वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ये आती है E की वैल्यू। तो नोट कर लो, सिंपल सा मेथड था, ये आपको याद रखना है, ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो कुछ तो एक बार आप ये नोट कर लो, फिर एक चीज बता देते हैं अभी। तो इस तरह से जो ये रिंग नाम का खेल है ना, ये कहाँ का आता है, एक तो आता है ग्रेविटेशन फील्ड में आता है आपके पास, उसमें भी एक रिंग दे रखा हो तो उसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा होता है, तो वहां पे उसकी वैल्यू कितनी आती है, वहां पे कितनी आती है, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स छोटा लिख लो, चलो कंफ्यूज नहीं होगी। ये क्या आता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इस तरह से कोई कोई भी रिंग है जिसके एक्सिस पे ये आता है। याद है कुछ नहीं याद आ रहा है ना, क्योंकि फिजिक्स में तीन जगह आती है ज्यादातर रिंग, एक तो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक आती है ग्रेविटेशनल, फिर आती है एक मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अलग होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो बायो सावर्ट लॉ होता है उसकी वजह से इसकी वैल्यू कुछ यहाँ से अलग आती है। लेकिन देखो यहाँ पे देखोगे आप, जो ई और जे यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ,
दोनों क्या है सेम है, बस यहाँ पे देखो कांस्टेंट का फर्क है, क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल में क्या होता है किसके लिए वैलिड होता है वो दो मास के लिए वैलिड होता है, तो वहां पे एम आ गया, यहाँ पे चार्ज के लिए वैलिड होता है क्यू, वहां पे कांस्टेंट क्या आता है इसमें क्या आता है जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और यहाँ पे क्या आता है के, ये दोनों कांस्टेंट का फर्क है बस, बाकी तो सेम ही है ना सब, उसमें भी आर एक्स यही होता है, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ये है। तो इस तरह से चीजों को रिलेटेड रखा करो कि याद करने में आपको आसानी हो। अब फिर आएगा एक मैग्नेटिक वैल्यू थोड़ी अलग होती है, लेकिन वो भी थोड़ा याद कर लेना, आगे मैग्नेटिक फील्ड आएगा तब बता देंगे, फिलहाल आप इन दोनों को याद कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें तो क्या हो सकता है, डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव होता है तो क्या अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव होता है तो क्या टुवार्ड्स द चार्ज, इस तरह से होती है रिंग, सॉरी चार्ज की जगह इस तरह से होती है। लेकिन इसमें ऐसे क्या होता है, इसमें क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना, तो इसमें डायरेक्शन केवल कुछ इस तरह से ही होती है, टुवार्ड्स नहीं है कि दूर की नहीं होती, केवल इसी की ओर होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है इसमें, हमेशा ये नहीं हो सकती, तो ये इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब इसके कुछ जनरल केसेस डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटा दे सबको। तो यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या आया था, ई का के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला निकल गया था। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये रिंग था कुछ इस तरह से अपने पास में, ये इससे एक्स डिस्टेंस पे था और ये वाली लेंथ मैंने आर मान रखी थी, कुछ ऐसे ही था, पीछे देख लो अभी तो याद है, इतना तो याद करना है, और ये इसकी रेडियस कैपिटल आर थी। तो यहाँ पे जो E की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे प्राप्त हो सकती है वो पूछा आपसे, तो E की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यानी कि इसको क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे D, जैसे Y की मैक्सिमम वैल्यू dy/dx से निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट से, तो यहाँ से इसको करेंगे तो मेरे पास मिलता है कि ±r/√2, इस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, E इक्वल टू ±r/√2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि आपको याद करनी है कहाँ से आ रहा है, डेरिवेशन देखना तो बता देना, लेकिन मुझे पता है आपको जितना पता करना होता है, लेकिन मुझे पता है कि आपको नहीं देखना। तो ये E की मैक्सिमम वैल्यू ±r/√2 पे हो सकती है, तो इसका ग्राफ बनाएं कुछ अपन इस तरह से, इसका ग्राफ बना रहे हैं, ये रख दी मैंने कुछ रिंग जो कि ओरिजिन पे इस तरह से रिंग रखा हुआ है, ये क्या हो गया E इक्वल टू, एक तो मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव, पहले मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ यानी कि पॉजिटिव में, तो E क्या होगा मेरे पास पॉजिटिव, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो E क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जब एक्स नेगेटिव होगा तो E तो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन तो नेगेटिव अपने आप हो जाएगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, ऐसे कर सकते हैं ना, तो इधर E क्या हो गया नेगेटिव, इधर क्या हो रहा है E पॉजिटिव, तो यहां से चलते हैं इसका ग्राफ कुछ बनता है फिर इस तरह से, ये लो, और ये क्या होता है मेरे पास r/√2, r/√2 E की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है r/√2 पे होती है मैक्सिमम वैल्यू, आप यहाँ पे एक्स की जगह r/x इक्वल टू ई मैक्स ई एक्स, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होती है ±r/√2 पे मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू r/√2 पुट करने के बाद आप निकाल लो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बता देना फिर आप, तो ये आ गया पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में देख लेते थे अपन कुछ इस तरह से देख लेते हैं, लेकिन ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो गया, तो इसमें कुछ इस तरह से बनता है फिर इस तरह से ये बनता है ग्राफ, ये सॉरी इस तरह, ये क्या हो गया r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम r/√2 पे फॉर रिंग, इन केस रिंग की बात कर रहे हैं, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स को मैं कर दू इनफाइनाइट लंबा कर दू, एक्स को मैं काफी दूर कर दू, एक्स को कर दिया मैंने कई किलोमीटर लंबा, फिर क्या हो गया आर और एक्स को मैंने एक्स को कर दिया मैंने कई किलोमीटर लंबा, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये क्या ज्यादा हो गया, आर कहाँ चला गया इसमें, देखो आर यहाँ पे आर मान लो कि ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर मान रखी है मैंने, लेकिन मैंने मान ली कई किलोमीटर लंबी, वो मान रहा हूँ मैं 10 किलोमीटर, इतनी दूरी पे जाके मैं देख रहा हूँ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा 10 किलोमीटर दूर जाके देखूंगा तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इतनी दूरी पे ये मेरे को एक पॉइंट चार्ज लगेगा, तो उसके कारण कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आप जनरली ये देख लेना के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको तो इस फॉर्मूले से समझा रहे हैं ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा इसमें 10 किलोमीटर यानी कि 10 × 1000 मीटर में अपन 2 मीटर ऐड करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ
कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मान लेते हैं फिर नेगलेट यहाँ पे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि के क्यू एक्स अपॉन एक्स की क्यूब तो एक्स स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। कि जब रिंग से काफी दूर चले जाते हैं तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाता है, और ये इसका ग्राफ था, ये पॉइंट चार्ज के लिए इसका स्पेशल केस था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वायर और रिंग के लिए डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।